नमस्कार। सो जैसा कि अब यू नो वंस एवर फाइनल हो चुका कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा, रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा, तो आप में से काफ़ी लोग अब सीरियस की तरफ चल पड़े हैं कि भाई सीट कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। और अभी भी मैं आपको फिर से सलाह दूंगा, सबको सलाह देता हूं मैं, जो हमारे क्लाइंट भाई बन चुके हैं या जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं पर हमारे क्लाइंट नहीं है काउंसलिंग प्रीमियम पैकेज के, कि देखिए मैं हर शायद अपने हर वीडियो में बोलता हूँ एज़ पर 2023, ठीक है, और पिछले चार साल में बहुत रूल्स चेंज हुए हैं। सिमिलरली एक और चीज़ का जिसको आपको ध्यान रखना है, जो हर साल की अनसर्टेनिटी होती है, एक तो रैंक पेपर, देखिए एडमिशन आपको रैंक के बेस पे मिल रहा है, वो हमेशा क्या होता है कि हमने डे टू डे भाषा में जल्दबाजी बोल देते हैं 238 कट ऑफ थी, तो लोग ये सोचते हैं अच्छा सर मेरे तो 240 नंबर है तो मिल ही जाएगा या 250 नंबर है मिल ही जाएगा, चलो पेपर आसान था इस बार। बट जस्ट टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, उससे फिर मैं डिसीजन शुरू करूँगा कि लास्ट ईयर नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ दी लोएस्ट कॉस्ट स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश, और जो बिल्कुल लोएस्ट सीट मिली है उत्तर प्रदेश में नॉन माइनॉरिटी, जो कि सस्ती फीस है बेसिकली, वो था नया कॉलेज SKS मथुरा, जिसमें हम ये सुनेंगे ना कि 200 जो लोएस्ट कट ऑफ गया वो 236 पे मिल गई सीट, लेकिन इम्पॉर्टेंट 236 नहीं है, इम्पॉर्टेंट 593,061 रैंक है। तो आप ये सोचिए कि भाई आप अगर टॉप 600,000 में नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अब लास्ट ईयर अगर 2,000,000 बच्चों ने पेपर दिया था, और मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जब नंबर बढ़ता है ना तो जो हुआ भी है पिछले 3 साल का अगर पैटर्न देखेंगे तो इट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स जितने बच्चे एक्स्ट्रा होशियार जुड़ते हैं उतने ही बच्चे बॉटम वाले जुड़ते हैं, विच मीन्स अगर 238 में 600,000 कट ऑफ थी नंबरों पर और अगर पेपर बिल्कुल सेम हो और इस साल 20% नीट पर बढ़ गए तो आप ये रैंक तो अपने आप ही समझ लीजिए 600,000 से घट के 700,000 रह जाएगी, या जो 500,000 रैंक थी वो 600,000 हो जाएगी, और लास्ट ईयर 600,000 रैंक पे तो कुछ भी नहीं मिला था, समझ रहे बात को, तो फॉरगेट दो इस जो दैट मीन्स कि इस साल जिसके 500,000 रैंक बनने वाली है पिछले साल के हिसाब से उसकी 600,000 बन गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रफली स्पीकिंग लास्ट ईयर रफली मैं बता रहा हूँ 500,000 रैंक के आसपास समझ लीजिए 265 नंबरों पर जो उस तरह का आपको कॉलेज मिला है वेंकटेश्वरा या उस तरह के समझ लीजिए वो मिलेंगे, तो ये तो एक फैक्टर। अब आगे पेपर आसान है तो समझ लीजिए उसको आप 10% और जोड़ लीजिए, तो वीडियो मैंने पहले ही बनाया था 10 दिन पहले कि ये हो सकता है कि जो कॉलेज 238 पे मिला था या जो लोएस्ट मार्क्स पॉसिबल 236 था वो बल्कि बढ़ के इस बार 260-270 हो जाए। अब इसको कॉम्पनसेट क्या करेगा, इसको कॉम्पनसेट करेगा नए कॉलेज NMC में अप्लाई अलग चीज़ है, उनका अप्रूवल मिलके काउंसलिंग में आना अलग चीज़ है, तो जब तक वो ना हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो बट आई एम थैंक टू टेल यू जो हमारे साथ भी जुड़े, देखिए हम हमेशा कहते हैं 4 हमारे पैकेज थे, 30,000 इज मोस्टली फॉर गवर्नमेंट, या हम कहते हैं ना सिंगल स्टेट प्राइवेट काउंसलिंग। सिंगल स्टेट का मतलब यही होता है कि भाई मैं सर UP का रहने वाला हूँ या दिल्ली के रहने वाले हैं, 450 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ तो कुछ UP में मिल जाएगा ना, हमें UP ही चाहिए क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड है। तो ठीक है सर, लास्ट ईयर के मुकाबले अगर 450 पे हमको रोहिलाखंड मिल गया था, इस बार शायद सरस्वती हापुड़ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो राम हापुड़ मिलेगा, वी आर फाइन, आप बस हमारी इसमें हेल्प कर दीजिए। तो वी आर वेरी श्योर, यू नो हम कहते हैं ठीक है जी, आपका 30,000 का पैकेज भी हो गया और कन्फर्म हो गया कि आपको UP में भेजेंगे, अनलेस एंड टिल कुछ भयंकर चेंजेस हो जाए, पता चले UP की फीस भी 3,00,000 पर ईयर के हिसाब से बढ़ गई, और फिर पता चले कि अरे हरियाणा की नहीं बढ़ी तो हरियाणा तो UP से सस्ता पड़ गया। आपको जानना चाहिए UP की फीस पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी है और कोई मना ही नहीं है, वो अभी अंदर खाते कुछ चल रहा होगा। और अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि इलेक्शंस इस बार पहले हो जाएंगे, देखिए मेडिकल कॉलेज की फीस वगैरह, मेडिकल कॉलेज में हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि दे आर क्लोज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, राइट। तो फिर ऐसा हुआ कि जब से BJP सरकार आई है कि भाई 19 में आई, 22 में लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन, फिर 24 में लोकसभा, लेकिन अब अगले 3 साल तक UP में इलेक्शन नहीं होने और 24 के इलेक्शन हो गए हैं, राइट, मतलब वोट पड़ जाएंगे भाई आखिरी 1 जून को, उसके बाद ही सारे फैसले होने हैं। तो बिल्कुल ही सच्चाई है, देखिए सरकारें हमेशा 2 तरफा चलती है ना, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मेडिकल कॉलेज जिसके पास जेन्युइन पेशेंट फ्लो नहीं आ रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा उस अस्पताल में, 11-12 लाख की फीस दे के उसका गुजारा नहीं होगा, तो वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं तभी वो फैकल्टी को रखने में, उसको रखने में दे कट द कॉर्नर्स, क्योंकि 12 लाख की फीस कुछ भी नहीं है एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए।
तो आई एम श्योर कि यूपी के सारे कॉलेज जोर लगा रहे होंगे कि वो अपनी फीस को बढ़ा सके। ईयरली नहीं बढ़ा सकते तो इमीडिएटली, जो हम फिलहाल बड़ा खुश होते हैं कि 13 लाख की फीस है, वो अगर 2-2 लाख भी बढ़ जाएगी तो पता चलेगा कि आपका साल का बजट, टोटल बजट 10 लाख बढ़ गया। और 10 लाख बढ़ गया तो आज जो हम खुश हो रहे हैं कि हमारा काम 68 में हो रहा है, वो अब 78 में होगा। और वहाँ पता चला जेएलएन बेला का भी जो बड़ा शानदार कॉलेज है, या श्री सिद्धार्थ तुमकुर, आई डोंट प्रेफर, आप सभी जानते हैं तमिलनाडु केरला, लेकिन बेंगलोर के आसपास तो दिक्कत नहीं है। तो फिर आप सोचोगे भाई अगर 78 यूपी में खर्च करने हैं रोहिला खंड की, और 90 में जेएलएन बेला का भी मिल रहा है, तो वहाँ चलते हैं, क्योंकि अभी तो 22-22 लाख का फ़र्क है, पर 2 लाख ही एनुअल फीस बनने से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे जो अभी होना है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं, 20% नीट बनने से ये तो पक्की बात है कि आपके रैंक में मेजर फॉल होगा, सिर्फ नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट की वजह से। उसके बाद पेपर आसान होने से अनदर 10% का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कॉलेज खुलने से वो थोड़ा कॉम्पनसेट होगा, पूरा भी हो सकता है। अगर सारे कॉलेज खुल जाए जितनी हवा चल रही थी कि 100 कॉलेज खुल जाएंगे, मेरे को बस डाउट ये है कि जैसे कुछ उसमें राजस्थान के सरकारी थे वो अब नहीं खुलने वाले, क्योंकि राजस्थान में सरकारी बदल गई है। लोकसभा का चुनाव होते ही, और चूँकि नियरेस्ट कोई असेंबली इलेक्शन है नहीं अदर देन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कुछ सरकारी थे तो वो ज़रूर खोल दिए जाएंगे, ताकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है मेडिकल कॉलेज को खोलने में और फीस को कंट्रोल में रखने में। बट यूपी का इलेक्शन अगर 3-3 साल दूर है तो हो सकता है कि इस साल अगले साल कुछ इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और फिर 2026 में नहीं किया जाएगा, क्योंकि 27 का इलेक्शन कर रहे हैं रूलिंग पार्टी ने। तो रूलिंग पार्टी विल ऑलवेज लाइक टू इंश्योर दैट, देखिए फीस बढ़ेगी तो हल्ला होगा, चारों तरफ बातें होंगी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या होने वाला है, क्या हम देख रहे हैं, और उसके हिसाब से हम सही डिसीजन लें। तो मैंने आपको 3-4 बातें इसलिए बताई कि एज ऑफ नाउ आप ये मत सोचिए कि ये पक्का मिल जाएगा। आप 200 से नीचे हो तो आप पक्का मांगे चले कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर आप डेफिनेटली अपनी कर्नाटका की बुकिंग या मध्य प्रदेश की बुकिंग करवाइए, या महाराष्ट्र का IQ कोटा, या राजस्थान की मैनेजमेंट सीट अगर आप 200 के नीचे और आप भारत या सत्यसाई में ड्यून में नहीं जाना चाहते। लेकिन वही अगर आप 250-500 वाले हैं तो अभी ये श्योरिटी नहीं है कि आपको क्या पक्का मिलेगा। तो जस्ट टू हैव अ राइट काउंसलर विद यू, जो भी पैकेज बनता है 50,000-75,000 अगर हम अपनी बात करें या दूसरे काउंसलर्स की बात करें, और सही एग्जैक्टली आपकी क्या प्लानिंग हो पाएगी ये आपको भी पता चलेगा सम हाउ अराउंड 10 जून के आसपास, जब पहले MCC का और फिर हर स्टेट का ब्रोशर आएगा। उसमें फ़ी में जैसे भी तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ दे रही है ना, अमृता फरीदाबाद ने सीधा झटका दे दिया 1925 कर दिया, ऐसे झटके अभी बहुत आने वाले हैं, तो उन झटकों के हिसाब से ही हमारी फाइनल प्लानिंग होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं कि आप अभी हमारे साथ जुड़ गए, तो हम भी लिमिटेड बच्चे लेते हैं ना, लेकिन असली में क्या होगा वो जानकारी आपको और 20 दिन बाद ही पता चलेगी कि असली में क्या होने वाला है, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। अभी 2024 का किसी भी स्टेट का फ़ीस डिफाइंड नहीं है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से फाइनल करने में जल्दबाजी मत कीजिए। तो मैं कई क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि अभी मुझसे ना पूरी डिटेल मत लीजिए क्या मिलने वाला है, जब तक हमारे सामने वो फीस के ब्रोशर ना आ जाए या हमारी रैंक ना आ जाए तब तक हम फाइनल नहीं कर सकते। तो हमारे साथ जुड़ गए जुड़िए ज़रूर, क्योंकि वो मेरे पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके लिए आप जुड़िए मेरे साथ अभी से, लेकिन अभी जुड़ के फाइनल डिसीजन मत लीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। हमसे जुड़ना चाहते हैं 9643362320 फॉर अ प्रीमियम काउंसलिंग, और उसके हिसाब से ही जब जून आएगा तो शायद आई थिंक वी शैल बी एबल टू फाइनलाइज अवर प्लान्स फार मोर इफेक्टिवली। ओके, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। नमस्कार, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।